अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एंटीस्ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जो लाजमी कागजात हैं, कौन कौन से कागजात या इसको टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में पूछ रहे थे। और कुछ लोग यूनिवर्सल सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक शार्ट सी वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो बना देता हूँ और इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह एजुकेशन के मुताबिक जो इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है उसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसटी इंटरव्यू के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं, कि आपके लिए कोई मसला ना बने, वो कौन कौन से कागजात हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके पास तो इस सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी मैट्रिक से लेकर, यानी मैट्रिक, एफएससी, बीए, बीएससी और मास्टर और एमफिल और बीएड वगैरह, एमएड, ये जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके दो सेट बनाएं और दो फाइल आप फाइल कवर लेंगे। एक फाइल कवर में यानी टैग्स में इसको अच्छे तरीके से लगा कर फिर दूसरी फाइल में दो फाइल आप तैयार करेंगे अच्छे तरीके से, सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से पीएसटी या सीटी में आना चाहते हैं तो दोस्तों, आपके पास यानी लियन या एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी होना ज़रूरी है, ताकि बाद में आपकी ये जो पिछली सर्विस है वो डल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस से आ रहे हैं और जूनियर क्लर्क वगैरह किसी और पोस्टों से आ रहे हैं, तो यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि ये यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट क्या है और ये कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट आप अपने जो यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी हैं वहाँ से आप उनसे करेंगे, साइन वगैरह करेंगे, वो आपके साथ उसका जो है यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट, वो आपके साथ फार्म वो भी आपको बताते हैं। बाकी एक और बात, जो मार्क्स एक्विरेंसी सर्टिफिकेट है, यानी बीएस वालों का जो सेमेस्टर है, क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटियों का 80 पर है, बाज़ का 85 और बाज़ का 90 पर 4 GPA है, तो इस तरह मार्क एक्विरेंसी परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना वो बहुत ज़रूरी है, या बीएड जिन्होंने सेमेस्टर में किया है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आर्डर के वक्त आपको सर्विस बुक वगैरह और बाकी जो ज़रूरी कागजात होंगे वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो, अब दोस्तों चलते हैं, यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट का नमूना आपको बताते हैं और ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपको हम व्हाट्सएप भी कर लेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह जो इम्पॉर्टेंट कागजात या जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, इससे पहले रोटेटिंग फार्म वगैरह और जो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने एकेडमिक को आप करेक्शन फार्म जो है उसको में आप करेक्शन करते हैं, तो वो फार्म ये सारे हम अपने वक्तन फवक्तन अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। तो चलो, अब चलते हैं यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट की तरफ। तो ये आपके पास दोस्तों जो यूनियन कौंसिल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है कि आप वाकई इस यूनियन से हैं या नहीं हैं, तो ये आपको वो यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी वगैरह वो जो लोग हैं वो आपको अटेस्ट करके दे देंगे। इस फॉर्म को अच्छी तरीके से आप फिल कर लें, और ये फार्म अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो है कमेंट बॉक्स में या इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक दे देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चंस हो इंटरव्यू के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अटेस्टेशन या इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो फाइल आप बनाएंगे तो वो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो जब आप पूछेंगे तो एक बार मैं जवाब दूँगा तो बाकी दोस्तों को वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में वो लाजमी आप कर क्या करें, इंशाल्लाह आपको जवाब वहां पे दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।